दोस्तों, कई बार मन में ये ख्याल आता है कि काश हमें कोई ऐसा जादू आता हो जिससे हम ये जान सकें कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, वे हमें अच्छा मानता है या बुरा समझता है, उस पर हम विश्वास करें या नहीं। इन सब बातों को यूं ही समझ पाना दिमाग पर जोर डालने जैसा है, लेकिन फिर भी इससे कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, ये महज एक मजाक ही लगता है जब हमें पता चले कि सामने वाले की मन की बात पढ़ी जा सकती है। आपको ये लगता होगा कि ऐसा तो सिर्फ मूवीज़ में होता है, लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में भी ऐसी कई चीज़ पॉसिबल है जो हमें इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन जो ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप ढंग से समझ पाएँ कि ऐसी वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे सामने वाले की मन की बात पढ़ी जा सकती है। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसे देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हम हमेशा आप लोगों के बीच इस तरह के वीडियोस बनाकर लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने हिप्नोटाइजिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे हम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। टेलीकिनेसिस के बारे में सुना है और टेलीपैथी, ये दोनों भी हमारे ही दिमाग की ही शक्तियाँ हैं। पर इन चीज़ों में जो प्रोफेशनल होते हैं वही इन पावर्स का ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और ऐसी चीज़ है जिसे कॉमन पीपल यानी हम लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सोच कर देखिए, अगर आप लोग भी सामने वाले की मन की बात पढ़ सकें तो कैसा होगा। हमारा ब्रेन, जो कि हमारे शरीर को चलाता है, इसके भी कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जैसे इस वक्त है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जो कल्पनाओं में जीता है। यही माइंड हमें सपने दिखाता है, और अगर इस शक्ति का इस्तेमाल कोई करना सीख जाए तो वो दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लेगा। इसके ऊपर भी और तीन लेवल्स होते हैं, जैसे फिर सुपर कॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और लास्ट में कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड होता है। अगर आपको किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है तो वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से कर सकते हो, मगर दूसरों के दिमाग को पढ़ना कलेक्टिव कॉन्शियस के लेवल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ये हमेशा सोचते हैं, काश हमारे पास भी कोई ऐसी शक्ति होती या ऐसा कोई मैजिक हमारे पास होता जिससे हम दूसरों का दिमाग और दिल में चल रही बातों को जान सकें, फिर हमें कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। मगर दोस्तों, सच तो ये है कि ये सिर्फ किसी शक्ति या जादू से नहीं, बल्कि एक तकनीक भी है जिससे ये किया जा सकता है। आप चाहे तो उसे जादू या शक्ति का नाम दे सकते हैं। तो सोचिए, अगर ये सब आप सीख जाएं, तो किसी के भी दिल और दिमाग में चल रही चीज़ों को जान सकते हैं। इसे ही माइंड रीडिंग कहते हैं। ये सीखने के कुछ आसान तरीके हैं जो आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। दोस्तों, दूसरों के दिमाग को पढ़ने के लिए आपके अंदर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो है कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता की शक्ति। ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना पेशेंसफुल होकर लेते हैं, यानी आप चीज़ों को कितनी नरमाई से लेते हैं, और आपकी इच्छा के बिना क्या कोई व्यक्ति आपको अपनी बातों में ले सकता है या नहीं। अगर आप इन दोनों चीज़ों में अच्छे हैं तो आप भी सामने वाले का दिमाग पढ़ना सीख सकते हैं। अब आपको बेहद समझदारी से काम लेना होगा। इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करना सीखना होगा। यहाँ अट्रैक्ट करने का मतलब बस यही नहीं जो आप समझ रहे हैं, इसका सही मतलब जो किसी की तरफ हमारे मन और दिमाग को ले जाता है,
अगर आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में लाना सीख लो तो फिर आप उसके दिमाग को पढ़ने की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। आप ध्यान रखें कि सामने वाले को आपसे बात करके कंफर्टेबल फील होना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि अगर वो अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वह सच बोलने की बजाय अपना ध्यान झूठ बोलने पर भी लगा सकता है। आपका अपने अंदाज में बात करने का तरीका शायद उसके दिमाग को लुभा सकता है, लेकिन आपका उसकी समझ के हिसाब से बात करने का तरीका सीधा उसके दिल में उतर जाएगा। जिस तरीके से उसे पसंद है उससे वैसी ही बात करें, लेकिन किसी भी तरीके से उसे आपका इरादा समझ नहीं आना चाहिए। अब जब उसको आपके साथ अपनेपन का एहसास होने लगे तो आप वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। अपनी बातों को घुमाते हुए आप अपने सवाल को उसके सामने रखिए जिससे आप मनचाहा जवाब पा सकें। जब वो जवाब दे रहा हो तो ये भी नोट कीजिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। अगर वह पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बिना हिचकिचाते हुए आपसे आंखें मिलाकर बात कर रहा है तो वो आपसे सच बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच बोलने में भी घबराते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत की कमी होती है। लेकिन अगर आप सीरियसली उनकी बातों को सुने तो वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल आवाज में आ जाते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और इस बात पर गौर करना होगा कि वो शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहे हैं या पकड़े जाने के डर से आंखें मिलाने से कतरा रहे हैं। दोस्तों, सच बोलने वालों की आवाज में भले थोड़ा देर से ही सही लेकिन कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, लेकिन झूठ बोलने वालों की आवाज या शरीर का कोई ना कोई हिस्सा घबराहट को दर्शाता है। अगर इन सारी चीजों के हिसाब से आप सामने वाले से बात करें तो आप उनके मन की बात जरूर जान सकते हैं। आप जरूर जान पाएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे थे हमारा चैनल टैलेंटीज़। मेरा नाम है सौरभ। थैंक यू।